पांचवें नंबर पे और लास्ट में जो आने वाले थे वो थे फ्रांसीसी, जिसको फ्रेंच इंग्लिश में कहते हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1664 में स्टेबल किया, स्टेबल नहीं किया, फाउंड किया अपने वहाँ पर, और वो इंडिया आ गए। वो किसके द्वारा फाउंड हुआ था? तो कोलबर्ट के द्वारा। ये मिनिस्टर थे किसके? लुईस सोलवेज। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लुईस सोलवेज कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, सब कुछ हम कवर करेंगे, और फ्रांसीसी क्रांति भी हम कवर करेंगे। तो 1668 में देखिए, फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है कहाँ पर? सूरत में। कौन बनाता है उसको? तो फ्रेंसिस कैरोन। कौन बनाता है? तो फ्रेंसिस कैरोन। 1669 में फैक्ट्री बनती है मसूली पट्टम में। कौन करता है? तो माराकारा। तो माराकारा का वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा नाम रहेगा फ्रांस में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। 1673 में मार्टिन ने जो है पौंडुचेरी को फाउंड करता है, पौंडुचेरी बनाता है, और वहाँ का गवर्नर बनता है मार्टिन, पहला गवर्नर कह सकते हैं फ्रेंच का। फिर इसी के बाद जो है फ्रेंच एंग्लो वार होगा, फ्रेंच एंग्लो वार 2 होगा, 3 होगा, फिर ट्रीटीज़ वगैरह होंगी, तो हम ये साथ ही साथ ख़त्म करते हैं इसी वीडियो के साथ में। तो देखिए, पहला फ्रेंच एंग्लो वार, जिसको कर्नाटिक वार भी कहते हैं, जिसको बैटल ऑफ आयार भी कहते हैं, और जिसको ऑस्ट्रियन वार भी कहते हैं, और इसमें ट्रीटी साइन होता है, तो इनको सबको बारी बारी से देखते हैं। तो जैसे ही फ्रेंच का एक नया गवर्नर आता है, जिसका नाम आपने सुना होगा डुप्लिक्स, फ्रेंच का गवर्नर आता है, तो वो चाहता है कि इंडिया के अंदर हमारी सुप्रीमेसी बनी रहे, हमारी कंपनी का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चाहती है कि हमारी जो है इंडिया के ऊपर दबदबा बनी रहे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहला फ्रेंच एंग्लो वार होता है, जिसका नाम है कर्नाटिक वार, बैटल ऑफ आयार। और देखिए, सिर्फ वार इंडिया में नहीं होता, इंडिया में खाली एंग्लो फ्रेंच वार होता है, बट ब्रिटेन और फ्रेंच यूरोप में भी लड़ रहे होते हैं, जहाँ जिसको कहते हैं ऑस्ट्रियन वार। तो यही इम्पैक्ट रहता है कि यहाँ पर कर्नाटिक वार हो रहा होता है, तो उधर भी वो लोग लड़ रहे होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो ये इधर लड़ रहे हैं, ये इनका पूरा खानदान उधर लड़ रहा है अपने आप को दबदबा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश जो है सपोर्ट किए गए थे नवाब कर्नाटिक रीजन, जो आज का कर्नाटका रीजन है, वहाँ के अनवर उद्दीन जो है मदद किया था इंग्लिश का, और जो फ्रेंच के जो मदद कर रहे थे, सपोर्टर थे, वो चंदा साहिब थे, क्योंकि इनको चाहिए था गद्दी, चाहिए था अरकोट का। तो 1748 में जो वार एंड होता है, तो ट्रीटी साइन होता है, एक्स ला चैपले की ट्रीटी, एक्स ला चैपले की ट्रीटी। देखिए, वार इंडिया में हो रहा है, पर इसका इम्पेक्ट जो है यूरोप में पड़ रहा है, यानी कि ये वार यूरोप में भी इन लोगों का चल रहा होता है। तो अभी भी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे या कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो फ्रेंच और ब्रिटेन में जो है कॉन्फ्लिक्ट अभी भी दबदबा जो है बना रहेगा, अभी मॉडर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो वार ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्सेल एक्स लास्ट चैपल साइन होता है, कब? एंग्लो फ्रेंच वार के टाइम पे, यह ध्यान रखिए आप। सेकेंड देखिए, सेकेंड वार होता है, सेकेंड कर्नाटिक वार, एंग्लो फ्रेंच वार, बैटल ऑफ अंबूर कहते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है? ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच डुप्लिक्स, राइट। तो अनवरुद्दीन यहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मर जा खत्म मतलब लूज़ हो जाती है। ये जो वार है, ये 5 से 6 साल वार चलता है लगभग। तो फ्रेंच डुप्लिक्स जो होते हैं यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं, उनके सपोर्टर में होता है मुजफ्फर जंग और चंद साहिब। चंद साहिब को अरकोट की गद्दी चाहिए होता है, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बनना होता है, इसलिए ये दोनों सपोर्ट करते हैं। डुप्लिक्स कहता है, आप लोग हमारी हमें सपोर्ट करो, ताकि हम आपको जो है जीतने के बाद इन सब की गद्दी आपको दे देंगे, निज़ाम बना देंगे हैदराबाद का, आपको अरकोट की गद्दी दे देंगे। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है यहाँ पर। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के आते ही अरकोट से जो है ना चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, जिसको हैदराबाद का निज़ाम बना दिया था डुप्लिक्स ने, इन दोनों को मार देता है, गद्दी से हटा के कैप्चर कर लेता है। फिर जो है डुप्लिक्स बूढ़ा हो चला होता है, उसे जो है न्यू गवर्नर से रिप्लेस कर दिया जाता है, फ्रेंच जो है कर देती है। तो उसके बजाय जो है ना गोडेहू आता है, इसका प्रोनंसिएशन जो है आप अच्छे से देख लीजिए, गोडेहू आता है। तो एंड जब होता है वार का, तो कोई जीतता कोई हारता नहीं है, शुरुआत में तो जीतता वैसे ये है क्या नाम है फ्रेंच है, लेकिन बट यहाँ पर ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी 1754 में। तो इस ट्रीटी के अगेंस्ट क्या होता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया सत्ता की, अब हम जो है पौंडीचेरी में भी व्यापार ट्रेडिंग वगैरह हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड, चलिए हम पहले पहुंच के दिखाते हैं। तो थर्ड कर्नाटिक एंग्लो वार होता है, जो कि 1700
58 से लेकर 1763 तक चलता है। देखिए इन सब वार का इम्पैक्ट इंडिया में नहीं यूरोप में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच होता है, ये जाहिर सी बात है फ्रेंच वॉर है। तो इसे ब्रिटेन को लेड करने वाले थे सर आयरी कुट्टे और फ्रेंच को लेड करने वाले थे काउंट डी लैली, इनका नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने एक बैटल सुना होगा, बैटल ऑफ वांडी वॉस 1760। तो बैटल ऑफ वांडी वॉस 1707 में होता है जब इंडिया में ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच लड़ रहे होते हैं, तो यूरोप में ये वार होता है बैटल ऑफ वांडी वॉस। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका पूरा इम्पैक्ट पढ़ेंगे, इस वार का इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंच जो है आयरी कुट्टी से डिफीट हो जाता है, मतलब फ्रेंच हार जाते हैं इसमें। तो ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो 7 सालों के बाद, 7 सालों तक जब ये वार चलता रहा, उसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है एंड में, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, और एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा 1783 जो कि अमेरिका और पेरिस के बीच में साइन होता है रेवोल्यूशन को लेकर। तो उसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे, उससे पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में वार हो रहा था पर इसका इम्पैक्ट जो है यूरोप में देखने को मिलता है, तो यहाँ वार हो रहा था तो उधर भी ये लोग लड़ रहे होते हैं, तो उधर जो हारता है जीतता है तो ट्रीटी वगैरह साइन करते रहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन को पौंडुचेरी, कैराकाल, माहे, यनम और इन चारों जगह पे जो कि किसके अंडरगार्ड आता था, तो फ्रेंच के अंडर आता था, यहाँ पर इनको ट्रेड करने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर फ्रेंच का जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। फ्रेंच के पास एक ही बेस बचा था लास्ट में, बंगाल था, बट इनके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास देखिए कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, जिनको 3 प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि 3 प्रेसिडेंसी होती है फ्रेंच इंग्लिश का, तो आप पढ़ लीजिए। और फ्रेंच का एक पोर्ट था पौंडुचेरी, वो भी इनके हाथ से चला गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मुझे दोस्तों। और आप बताइए कि और मैं इसमें क्या क्या सुधार ला सकता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।